झांसी के कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर चल रहे शख्स पर पीछे से लोडिंग गाड़ी ने टक्कर मार दी, ऐसा पीड़ित का आरोप है। जब भाग रहे लोडिंग को पकड़ा तो और विरोध किया तो लोडिंग वाले ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। पीड़ित ने DIG झांसी को दिए प्रार्थना पत्र में लिखा कि दिनांक 11/5/2024 को मैं अनिल लायकवार निवासी 160 चतुर्याना अंदर लक्ष्मी गेट झांसी, मैं मदन ऑटो सेंटर से झोकन बाग स्थित दुकान में काम करता हूँ और सुबह करीब 10:30 बजे दुकान खोलने हेतु दुकान की चाबी लेकर जा रहा था, तभी सरकारी पोस्ट ऑफिस बड़ा गांव रोड झांसी के सामने पहुंचा, जहां सामने से आ रही सफेद लोडिंग ने तेजी से मुझे टक्कर मार दी और मैं एक्टिवा गाड़ी समेत गिर जाता हूं और मेरा पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी लोडिंग वाला वहां से भागने लगता है, जिसके पीछे वहां मौजूद लोग उसे लोडिंग को पकड़ने भागते हैं और आगे जाकर लोडिंग पकड़ लेते हैं, जिसमें भज्जू नामक शख्स ने लोडिंग की चाबी निकाल ली तो लोडिंग में बैठे दो लोग उतरकर भज्जू व वहां मौजूद पब्लिक को मारने लगते हैं। एक्सीडेंट होने के उपरांत मैंने अपने मालिक को फोन कर दिया था जो बगल वाली गली में रहते हैं, लोडिंग वाले ने भी अपने लोगों को फोन कर दिया था, दोनों में मारपीट शुरू हो गई। आगे सुनिए पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम है अनिल लायकवार। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं लक्ष्मी गेट चतुर्याना मोहल्ला से। आपने प्रार्थना पत्र दिया? प्रार्थना पत्र इधर ये DIG बंगले दिया है साहब। किस बात को लेकर आपने प्रार्थना पत्र दिया आज? यो हमारा झगड़ा नहीं हुआ था सर, कि मैं मालिक के घर से चाबी उठा के अपनी दुकान के लिए जा रहा था, एक आपे वाला आके लोडिंग वाला हमें मार के चला गया। मैं अपनी साइड पे था साहब और साइड की अपनी रॉन्ग साइड में मार के चला गया वो, और मैं मजदूर आदमी हूँ साहब, मेरा कोई आगे पीछे भी नहीं है और दिक्कत हो रही है, हमारी कोई कोतवाली में सुनवाई नहीं हुई है। उधर आवेदन दिया था कम से कम उधर 100 और 150 आदमी आ गए, वो BJP की बोल रहे थे कि हम BJP वाले हैं। ये कितने समय कब की घटना है? ये शनिवार 11 तारीख की। अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ विधायक जी से निवेदन है और योगी जी से कि हमारी सुनवाई हो, कार्रवाई हो। वो हमारे अभी DIG बंगले आए हुए हैं, हम इधर भी आवेदन दिया है और हमारे पैर में चोट है और फ्रैक्चर है बहुत, और मुझे मुआवजा मिला जाए जो भी है, आगे की प्रक्रिया के लिए हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और हमारी कोई कोतवाली में सुनवाई नहीं हुई है आगे के लिए। मेरा नाम रानी रायकवार हूँ। कहाँ से आई? लक्ष्मी गेट से आई। आज आपने कहाँ प्रार्थना पत्र दिया? DIG ऑफिस बंगले पे आई हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वहाँ कोतवाली गए तो वहाँ किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी और वहाँ 200 आदमी 150 आदमी खड़े हो गए, वो कह रहा है BJP वाले हैं हम, और अगर तुमने एक टांग के लिए मेरे मतलब उधर कर रहा है शिकायत तो वो कह रहा है अगर आज तो एक टांग तोड़ी है, अगर तूने वापस नहीं ले रिपोर्ट तो 2 टांग तोड़ दूंगा और हम लोगों को अंदर ही नहीं जाने दे रहे, तो हमारी रिपोर्ट नहीं लेकर आए वो लोग, इसलिए हमें इधर आना पड़ा। लेकिन हमें इन पे सर पे बहुत भरोसा है, वो हमारी सुनवाई करेंगे, हमारे पति और हम दोनों ही काम पे जाते हैं, लड़का भी काम सीख रहा है, कोई पढ़े लिखे नहीं है हम लोग ज़्यादा, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र है बस वही हमारे लिए कर दें। और जो हम लोगों को बीच बचारा कर रहे थे दुकान वाले, उनके ऊपर उल्टा मुकदमा चला दिया उन लोगों ने, तो उनको भी मतलब मुक्त किया जाए, उनका नाम उनको भी हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तो बीच बचारा करा है हम लोगों की तरफ से, अगर हम वो नहीं आते तो हम लोगों को अस्पताल कौन ले जाता, वो तो टक्कर मार के चले गए थे, उन्हें बचाया तो टेम्पो वाला तो भाग गया है, लेकिन उनने जो दूसरा आया तो वो चढ़ बैठा तो फिर अपन वो चिल्ला रहे थे, इन पर डांट रहे थे, तो फिर उन्होंने भी मदद करी है और उन पर ही उल्टा सीधा बोलता है और उन्हें भगा मतलब बंद कर लिया था, तो अब उन लोगों से भी हटा जाए मुकदमा, जो उनका नाम लिया है उन्हें हटा दिया जाए और हमें भी जो मुआवजा दिवा रहे, हमारी जो रोजी रोटी हम गए, हम 2 महीने के लिए बैठ गए हैं, पलस्तर चढ़ गया है, अब हम भी नहीं जा पा रहे काम पे, वो भी नहीं जा, हम क्या खाएंगे सर, और अगर वो भी बंद उन्हें भी बंद कर दोगे तो वो लोग भी क्या करेंगे। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।